लाइव 24 न्यूज देश की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए नजर डालते हैं देश की उन तमाम बड़ी खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। लखनऊ के केजीएमयू की ओर से बताया गया कि कोरोना के लिए शनिवार को टेस्ट किए गए हैं। इसमें से 1626 नमूनों में से 62 के परिणाम पॉजिटिव आए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र में भाजपा नेतृत्व की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का प्रथम वर्ष कल संपन्न हुआ है। 6 वर्ष के अपने इस कार्यकाल के दौरान पहले जो मुद्दे नारों तक सीमित रहते थे, उन्हें हकीकत में बदलने का कार्य मोदी जी ने किया है। देश में चल रही भीषण लू से लोगों को राहत मिल गई है। रविवार का दिन उत्तर भारत के लोगों के लिए सुहावना रहने वाला है। शनिवार रात को दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कहा कि बहुत से लोगों ने ये बताया कि उन्होंने जो सामान उनके इलाकों में मिलते हैं उनकी पूरी लिस्ट बना ली है। ये लोग अब लोकल प्रोडक्ट्स को ही खरीद रहे हैं, वोकल फॉर लोकल को प्रमोट कर रहे हैं। नेपाल के कानून मंत्री शिव माया तुम्बा हफे ने नेपाल के नए नक्शे के संबंध में संविधान संशोधन बिल पेश किया है। इस नक्शे में भारत के 3 हिस्सों को नेपाल का अंग दिखाया गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के मेंढर सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास रविवार को एक बार फिर पाकिस्तान ने गोलीबारी की। इस दौरान एक स्थानीय निवासी घायल हो गया। घायल की पहचान मोहम्मद यासीर के रूप में हुई है। शिवसेना नेता संजय राउत ने रविवार को आरोप लगाया कि फरवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत के लिए अहमदाबाद में आयोजित नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम गुजरात और बाद में मुंबई और दिल्ली में कोरोना वायरस के फैलने के लिए जिम्मेदार है। कोरोना वायरस संकट के बीच दिल्ली सरकार ने केंद्र से 5,000 करोड़ रुपए की मदद मांगी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि मैंने केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखा है कि हमें ये तत्काल सहायता प्रदान करें। फरीदाबाद के डिप्टी कमिश्नर यशपाल यादव ने बताया कि भारत सरकार से लॉकडाउन के बारे में नई हिदायतें मिल गई हैं। उन पर जरूरी विचार विमर्श के बाद हरियाणा सरकार जरूरी निर्देश कल तक जारी करेगी। जब तक हरियाणा सरकार और जिला प्रशासन की नई हिदायतें नहीं आती, तब तक पुरानी हिदायतों पर काम जारी रहेगा। समाजवादी कार्यकर्ताओं ने विधायक की छवि को जनता के सामने धूमिल करने के लिए विधायक सुरेश श्रीवास्तव की फोटो सहित लापता होने के पोस्टर लगाए। थाना पारा के काशीराम कॉलोनी के रहने वाले हैं समाजवादी आरोपी। पुलिस ने विधायक की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मणिपुर में कोरोना वायरस के 4 नए मामले आए सामने। राज्य में कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या बढ़कर 66 हो गई। राज्य में कोरोना वायरस सक्रिय मामलों की संख्या 59 है। राजस्थान में कोरोना वायरस के 76 नए मामले आए सामने। 1 मौत हुई है, 33 लोग ठीक हुए हैं और 20 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। राज्य में अब कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या बढ़कर 8,693 हो गए। 1 जून से देश में काफी कुछ बदलने वाला है। पूरे देश में 25 मार्च से लॉकडाउन लगा हुआ था, लेकिन अब इसमें धीरे धीरे राहत दी जा रही है। सोमवार से लॉकडाउन में राहत के साथ ही आपके दैनिक जीवन यापन से जुड़ी कई चीजों में बड़ा बदलाव भी होने वाला है। 1 जून से पटरियों पर 200 नियमित ट्रेनें दौड़ने लगेंगी। अमेरिका के बाद ब्राजील कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में 2 नंबर पर है। ब्राजील में शनिवार को कोरोना वायरस से सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देश में एक दिन के अंदर 33,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। बेल्जियम के 26 वर्षीय प्रिंस जोआकिम की कोरोना जांच पॉजिटिव आई है। वो कोरोना संक्रमित है। बताया जा रहा है कि स्पेन में लॉकडाउन के दौरान एक पार्टी में शामिल हुए थे। ये कयास भी लगाया जा रहा है कि किसी दौरान वो कोरोना संक्रमित हुए। राजमहल ने बीबीसी को ये जानकारी दी है कि प्रिंस इंटर्नशिप के लिए स्पेन की यात्रा पर गए थे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अलाइव 24 न्यूज। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइव 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।